हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस ऐप को और किस तरह से यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। मैंने इस ऐप का लिंक वहाँ पे दे दिया है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का हमें खासियत यह है कि हम इस ऐप से अपने कई प्रकार के कपड़ों को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जब हम कहीं आउट एरिया में फ़ोटो क्लिक करने जाते हैं तो हमें क्या होता है कि हम एक ही कपड़े में सभी फ़ोटो को क्लिक कर पाते हैं, लेकिन अब की बार से ऐसा नहीं होगा। और यदि आप इस ऐप को अच्छी तरह से यूज़ करने जान जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हम एक ही ऐप से कई तरह के कपड़ों को चेंज कर सकते हैं और हमें कपड़े चेंज करने की रियलिटी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम इस ऐप को यूज करते हैं। तो चलिए मैं इसका फुल डिटेल आपको देता हूँ। बस आपको कुछ मिनटों का इसमें समय देना होगा और आप हमेशा के लिए ये ऐप यूज कर सकते हैं। तो चाहिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे आपको ऐसा पेज देखने को मिलेगा। आपको इसमें कुछ चंद सेकंडों का समय लग सकता है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे नीचे की तरफ प्लस का आइकन दे रहा है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। और क्लिक करते ही हमारे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं स्टार्ट क्रिएटिंग फ्रॉम योर मीडिया, हमारा सभी फाइल का फ़ोटो यहीं पे एकत्रित। तो हम यहाँ से अल पर क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पे सभी फ़ोटो शो होने लगेगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें जिस फ़ोटो का कलर चेंज करना होगा हम उस फ़ोटो को यहाँ से चूज कर लेते हैं। जैसे ही आप फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐड फ़ोटो देगा, तो आप वहाँ से ऐड कर लेंगे। ऐड करते ही आपको ऐसा पेज दिखाई देगा, तो आप क्या करेंगे, यूज इन न्यू डिज़ाइन पे ये ब्लू वाले कलर पर आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे याद रखें कि यहाँ में इंटरनेट का कनेक्शन इससे जुड़ा होना चाहिए, ये ऑफलाइन नहीं चल सकता, इसमें ऑनलाइन की ज़रूरत होती है। तो हमारे यहाँ से डाटा ऑफ एंड हमारा फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो हमें क्या करना होगा, हमें फ़ोटो पर कहीं पे भी टाइप कर देना होगा। जैसे ही हम टाइप करेंगे हमारे नीचे की तरफ हमारा दूसरा ऑप्शन देगा इफेक्ट्स का, तो हम इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे। इफेक्ट्स पर क्लिक करते ही हमारे यहाँ पे ऊपर की तरफ नीचे तीसरा ऑप्शन दे रहा है मैजिक ग्रिड, तो हम मैजिक ग्रिड पर क्लिक करेंगे। मैजिक ग्रिड पर क्लिक करते हमारा यहाँ देखिए दे रहा है दिस हाइलाइट्स वेयर पर इमेज विल बी एडिटेड ब्रश साइज, तो हम यहाँ ब्रश के साइज़ को घटाया बढ़ा लेंगे फ़ोटो के हिसाब से। और हम जिस भी यदि हम ऊपर का शर्ट चेंज करना चाहते हो तो हम सिर्फ शर्ट पर इस एरिया को ब्रश करेंगे। यदि हमें पूरा सेट ही चेंज करना है तो हम पूरे सेट को यहाँ पे ब्रश कर देंगे, बट मैं यहाँ सिर्फ शर्ट को चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ब्रश को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से एकदम इसे एरिया को सिलेक्ट करना होगा। सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना होगा कि जो हम ब्रश का एरिया ये चूज किए हैं ये फ़ोटो के हिसाब से रहे और ये कहीं ओवर जगह पे हम ब्रश ना कर पाएँ। यदि हमारा ये ब्रश फेस पे चल जाता है तो हमारा फेस इस पे किसी भी एंगल से ये इसे मोड़ सकता है। तो हमें ख्याल रहे कि अच्छे तरीके से सिर्फ हमें शर्ट पर ही इसका कलर भरना है। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ शर्ट पर ही पूरा इस पे कलर भरा हुआ है। और उसके बाद जैसे ही हमारा पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाता है तो हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही यह जनरेट किया गया उसके बाद तुरंत हमारे यहाँ चार ऑप्शन दिखाई दे रहा है चार प्रकार के शर्ट का, तो हम यहाँ से किसी भी शर्ट को चूज कर सकते हैं। हो सकता है कि वह उतने कभी कभी उतने परफेक्ट तरीके से नहीं बैठता, तो हम क्या करेंगे यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। जनरेट करने पर हमारा दोबारा चार प्रकार का ऑप्शन देगा, हम उसमें से कोई एक शर्ट चूज कर सकते हैं जो अच्छा लगे, नहीं तो चारों में से जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा फिर यहाँ चार प्रकार के शर्ट हमें प्रोवाइड किया है, हम यहाँ से किसी भी शर्ट को चूज कर सकते हैं। यदि आपको इसमें से भी लगता है नहीं यार उतना परफेक्ट तरीके से नहीं बैठा है या कोई और प्रॉब्लम आ गई यदि आपको दिख रहा है तो आप यहां से दोबारा जनरेट कर सकते हैं। आप यहां से जितनी बार चाहें उतनी बार जनरेट करके आप एक नया फीचर यहां से शर्ट का ले सकते हैं। बस इसमें कुछ चंद सेकंडों का समय लग जाता है।
तो आप देख सकते हैं हमारा फिर चार ऑप्शन दिए हैं हम, यहाँ से किसी को चूज कर सकते हैं। तो यदि आप इसमें से शर्ट को चूज करना चाहें तो शर्ट को, टी शर्ट चाहें तो टी शर्ट को, यदि आप किसी डेनिम जैकेट या जैकेट को लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। मैंने इस फोटो में शर्ट को फोल्ड किया है हैंड का, नहीं तो यदि आपको डेनिम जैकेट चाहिए तो आपको जो मैंने यहाँ पे कलर फिल किया था, तो आपको क्या करना होगा, पूरे हैंड को फिल कर लेना होगा ताकि वह डेनिम जैकेट पूरे हैंड को भी कवर कर ले। और यदि आप फुल टी शर्ट चाहते हैं तो तब भी आपको यहाँ पे हैंड को पूरे तरीके से उस कलर से आपको यहाँ पे फिल कर लेना होगा, उतने एरिया को सेलेक्ट कर लेना होगा हैंड के एरिया को भी, ताकि यह फुल टी शर्ट आपको प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए हम यहाँ से एक बार और जनरेट कर लेते हैं, देखते हैं उसके बाद हमारा कौन सा ऑप्शन देता है। तो देख सकते हैं यहाँ हमारा फिर चार प्रकार का शर्ट हमें यहाँ पे क्रिएट करके दिया है। तो हम यहाँ से किसी भी शर्ट को सेव कर सकते हैं, और सेव करने के लिए आप ऊपर को, ऊपर की तरफ देख सकते हैं, यहाँ हमारा सेव का ऑप्शन दे रहा है, तो हम यहाँ से इसे सेव कर सकते हैं। तो भाई आप यहाँ से देख सकते हैं यह हमारा फ़ोटो पूरी तरीके से सेव हो चुका है। और यदि आपको लगता है यह ऐप काफ़ी यूजफुल है, आपको बेटर फील होता है, तो आप इसे अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। और हमारे सपोर्ट के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चाहे तो लाइक भी कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस ऐप का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।